close till I get out. हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ ढेर सारी बधाई, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से मेरे हो गए हैं 500 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट। और दोस्तों, यूट्यूब ने भी मेरे को ईमेल करके बधाई दी है, तो बहुत दोस्तों बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि काफ़ी लेट हुए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जितना मैंने काम भी बहुत कम किया है, क्योंकि मैं जॉब भी करता था और बीच बीच में वीडियो भी अपलोड करता था, तो इसलिए थोड़ा लेट हुए मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट। लेकिन चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम कर लेंगे और नया अचीवमेंट हासिल करेंगे। अब जल्दी हमारा टारगेट होगा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो चलिए दोस्तों, मोटो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। ये देखिए, मेरी हॉर्नेट खड़ी है और हेलमेट भी मेरा रेडी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ करौंद की तरफ, तो वहीं का हम मोटो ब्लॉगिंग शूट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको राइट पे। यहाँ पे सीधी भाषा में रोड चौड़ी हो रही है, फुटपाथ वगैरह बन रहा लगता है। तो यहाँ काम चल रहा है, पत्रकार भवन तो पहले ही तोड़ दिया था, तो ये सब काम हो रहा है भैया मालवीय नगर में। और ये आप देख सकते हैं, ये बिरला मंदिर वाला रोड है, विधानसभा वाला, तो यहीं से हम निकल रहे हैं। और ये है हमारे सामने MLA रेस्ट हाउस, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों नया कैफे खुला है, शुभ करके, शुभ कैफे। ये भैया विधायकों के लिए कैफे खोला, वैसे अपन लोग भी जा सकते हैं, लेकिन खोला उन्हीं के हिसाब से, ताकि विधायक वगैरह बड़े बड़े लोग जो आते हैं, मिनिस्टर, वो यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह, चाय कॉफ़ी भी है, रेस्टोरेंट का आनंद लें। तो ये दोस्तों हमारे सामने बना हुआ है राजभवन, ये आप देख सकते हैं। और इसमें सभी योगा करने के सभी आसन दिए हुए हैं कि आप इस तरह से योगा कर सकते हैं। सुबह इनको देख के भी यहाँ पे लोग योगा करते हैं। तो ये नया थाना खुला दोस्तों अरेरा हिल्स। तो अभी हम बढ़ रहे हैं जहांगीराबाद की तरफ, और ये है राजभवन वाला तिराहा। ये मिंटो हॉल बना है मेरे साइड में, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों इस रोड में ना बहुत ट्रैफिक मिलता है, और दोपहर के टाइम भी काफ़ी ट्रैफिक होता है। इंटरनेशनल कन्वेंस सेंटर को हम क्रॉस कर रहे हैं, और लाल परेड आने वाला है बस। पुलिस मेंस हॉस्पिटल भी बना है और पुलिस वुमेन हॉस्पिटल भी बना है, दोनों हॉस्पिटल इधर बने लाल परेड के पास। ये 7th बटालियन वालों के हॉस्पिटल है, और बाकी भी जो भी पुलिस में है जिनका कोई रिश्तेदार, तो वो यहाँ पे दिखा सकता है। हमारे पापा पुलिस में है, तो हम लोग इधर ही आते हैं दिखाने, तो काफ़ी अच्छा मतलब सुविधा रहती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, आराम से चेकअप हो जाता है, डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आजकल क्या हाल है भाई, इतनी लाइन लगती, इतनी भीड़ होती है, मेला जैसा लगता है हॉस्पिटल में, तो इतनी खस्ता हाल है। अपनी गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं रही है लोगों के लिए, तो बहुत ही भीड़ हो जाती है दोस्तों। और जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं ना, वो भी इतनी लंबी लंबी लाइनें देख के परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरों की कमी है बस, और कुछ नहीं है। एक एक डॉक्टर पे भी बहुत लोड होता है, इसलिए गवर्नमेंट डॉक्टर जो है ना अच्छे से देखते नहीं है लोगों को, पेशेंट को। तो ये यहाँ पे कहीं हमारे पिताजी का ऑफिस बना हुआ है PHQ में, PHQ के पास से ही हम लोग निकल रहे हैं, 7th बटालियन का ऑफिस है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना रस है भाई, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे तैसे भाई हम लोग निकल रहे हैं, कट वट मार के निकल जाते हैं हम लोग। ये रोडों में ये बसें और दौड़ा दी, मतलब पूरा ये बस जब चलती है ना, तो पूरा रोड जाम हो जाता भाई। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आजकल ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो ये जहांगीराबाद के पास बहुत अच्छी अच्छी दोस्तों वैरायटी लगी हुई है कपड़ों की, ये आप देख सकते हैं लाइन से। तो यहाँ पे ये सब दुकानें लग रही हैं कपड़ों की, यहाँ पे आपको ये स्वेटर वगैरह मिल जाएंगे, जैकेट वगैरह, और काफ़ी अच्छे दाम में दोस्तों मिल जाते हैं। देखिए पूरे यहाँ पे जैकेटों की दुकान लगी हुई है कपड़ों की, तो और भी अभी दुकानें लगती जाएंगी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी। तो यहाँ पे अभी लग रहा है मार्केट, यहाँ से आप दोस्तों ले सकते हैं, देखिए काफ़ी अच्छी जैकेट है यार। मैं भी आऊँगा एक दिन शॉपिंग करने, तो तब मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी तो आप देख लीजिए, देखिए जैकेट वगैरह शादी वगैरह के लिए भी जो
शॉर्ट जैकेट होती है वो सब भी यहाँ पे मिल रही है। तो काफी अच्छा मार्केट है और भाई शोरूम वगैरह में लो ना तो बहुत, अब हर कोई नहीं ले पाता, शोरूम से काफी महंगी होती है जैकेटें, 2,500-3,000-5,000 तक की जैकेटें होती हैं शोरूम में तो। और अगर आपको वही जैकेट 1,200-1,300 में लेना है, 1,000 के अंदर लेना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखिए मैं काली मंदिर के पास से निकल रहा हूँ, छोटे तालाब के पास से। तो ये है हमारी काली माता, तो जय काली माँ, आशीर्वाद देना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और बस भाई यही है कि जहांगीराबाद का मार्केट मुझे अच्छा लगा, वहाँ से आप ले सकते हैं कपड़े। दोस्तों ये बहुत पुराना हॉस्पिटल था, सुल्तानिया जनाना हॉस्पिटल, तो ये आजकल बंद हो चुका है, ये शिफ्ट हो गया है हमीदी हॉस्पिटल में। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए इस बात को कि यहाँ पे अब इलाज नहीं होता है, ये हॉस्पिटल अब टूट के कुछ नया चीज बनेगा। तो ये हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुका है हमीदिया में। फास्ट फूड सेंटर खुला है दोस्तों, यहाँ पे हमने बहुत बिरयानी पे ली है मतलब खाई है, तो काफ़ी अच्छी बिरयानी बनाते हैं दोस्तों ये लोग। लेकिन मैंने है ना बाद में नॉनवेज खाना थोड़ा सा कम कर दिया, सही बताओ। बीच में मैंने मंगलवार के व्रत वगैरह चालू किए थे तो मैंने बहुत कम कर दी थी बिरयानी वगैरह खाना, तब से आदत ही छूट गई, काफ़ी टाइम से नहीं खाई है। अब वापस से वैसे मैंने नॉनवेज चालू कर दिया, मेरी आदत है, मैं मालूम है कम भी कर देता हूँ और वापस से चालू भी कर देता हूँ, तो ऐसे में अपना कंट्रोल बना रहता है बॉडी में, ज़्यादा लालच नहीं करते अपन। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं। तो ये देखिए बस स्टैंड से ये वाला रोड आता है और ये जाता है छोला मंदिर की तरफ। आज थोड़ा सा कम दिख रहा है दोस्तों ट्रैफिक, इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक होता था इस रोड में। चलो ट्रैक्टर से तो निपज गए अपन, आगे निकल आए। तो दोस्तों हम अभी निकल रहे हैं यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सामने से, और ये यूनियन कार्बाइड कॉलोनी है ये जो आपको दिख रही है। तो भाई यहाँ के लोगों का बहुत नुकसान हुआ था जो यहाँ सामने रहते थे, बहुत लोग इनके मरे थे। और ये जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है ना, ये यूनियन कार्बाइड की बाउंड्री वॉल है, इसके अंदर ही बनी हुई है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। तो अभी आप देख सकते हैं ये लड़का लड़की भी भाई ऐसे चिपक जाएंगे वो, बस चलते रहेंगे धीरे धीरे, वो भाई साइड से भी नहीं चलाते, बीच रोड में ही चल रहे हैं चिपके हुए। ओके ये देखो यहाँ पे ओयो भी खुला हुआ है, यहीं पे आ रहे हैं लगता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ आगे से मंडी वाले रास्ते से शॉर्टकट ले लेंगे अंदर से, और मंडी से घुस के हम निकल लेंगे उस तरफ वाली रोड में, तो हम पहुँच जाएंगे पीपल चौक, पीपल चौक वाली गली पे। यहाँ है लाइन लगी हुई है ट्रैक्टरों की, गेहूँ वगैरह की बिक्री चल रही है, तोल रहे हैं, तो ये काफ़ी लंबी लंबी लाइन है, काफ़ी बड़ी मंडी बनी है दोस्तों ये। साफ सफाई होना चाहिए, वो मोदी जी ने जो अभियान चालू किया था साफ सफाई का, वो भी भाई बहुत ही अच्छा अभियान था, उसके बाद कई जगह भारत की साफ दिखने लगी है। वो देखो ऑटो वाला साला उल्टे चला आ रहा था, अगर मैं सामने नहीं देखता तो ठुकी जाता मैं तो उससे। तो ये हम मंडी क्रॉस कर चुके हैं,
निकल गए हम मंडी से बाहर। हेलो, तो व्हाट्सअप गाइस, मैं इस टाइम खड़ा हूँ मंडी में, करोन मंडी में, और मैं अपने प्लाट से होके आ गया हूँ काम करा के। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।